चलिए दोस्तों, हम लोग चेक कर रहे हैं लीफो का 100 जीपीडी का आरओ बूस्टर पंप, और हम लोग उसके साथ में यूज़ करेंगे एक्जियन कंपनी की HR150 सीरीज मेम्ब्रेन, जो हाई रिजेक्शन के लिए जानी जाती है। और हम लोग पानी जो है चेक करने के लिए यूज़ कर रहे हैं 3000 TDS तक का पानी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वाटर TDS इज 3100, इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे मेम्ब्रेन का फ्लो कितना है, और अभी हम लोग यह मेम्ब्रेन को कनेक्ट करेंगे इसमें मेम्ब्रेन हाउसिंग में। और ये जो मेम्ब्रेन है, इसकी खासियत यह है कि ये हाई रिजेक्शन के लिए जानी जाती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा TDS हो, 3000 के ऊपर का TDS हो, तो वहाँ पे ये बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करती है। हमने जो पानी जो लिया हुआ है वो एक्चुअल साइट के यहाँ से हमने लाया हुआ 300 TDS का पानी है, और इसको हम लोग टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इससे अगले हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं मेम्ब्रेन को, और इस मेम्ब्रेन के साथ में हम कनेक्ट करेंगे फ्लो रिस्ट्रिक्टर जो है वो 450 का FR450 यूज़ करेंगे, बिकॉज हमें प्रेशर जो है ज़्यादा लगेगा 3000 TDS के लिए। हम लोग यहाँ पे FR450 इस्तेमाल कर रहे हैं, बिकॉज जो है हाई TDS में मेम्ब्रेन के ऊपर हाई प्रेशर जनरेट करना ज़रूरी होता है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक स्टॉप वॉच ले लेंगे, और ये बीकर के सहायता से हम लोग चेक करेंगे कि एक मिनट में कितना फ्लो देता है। यहाँ पे अभी हम लोग प्रेशर देख रहे हैं, तो 100 PSI का प्रेशर जो मैंने कहा था बेहतरीन प्रेशर दे रहा है 100 PSI का। और अभी ये स्टॉप वॉच हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे बीकर है, बीकर में हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। रेडी, 1 2 3 गो। यहाँ पे एक मिनट में ये कितना फ्लो दे रहा है वो चेक करेंगे। स्टॉप। तो एक मिनट में इसने दिया हुआ है 270 ml का फ्लो, 270 दिख रहा है आपको, मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट्स, तो ये लगभग दे रहा है 16 लीटर का फ्लो, 16.2 लीटर का फ्लो दे रहा है। अभी हम लोग इसका रिजेक्ट जो है वो चेक करेंगे, और सबसे पहले हम लोग इसका TDS चेक करेंगे, उसके बाद में हम लोग इसका जो है रिजेक्ट फ्लो कितना है वो चेक करेंगे। रिजेक्ट फ्लो कर चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो फ्लो रिस्ट्रिक्टर में से जो पानी आ रहा है उसको इस बीकर में हम लोग कलेक्ट करेंगे, इस बीकर से उसे मेजर करेंगे। अभी हम लोग इसका रिजेक्ट फ्लो चेक करेंगे। सबसे पहले उसके लिए हम लोग स्टॉप वॉच यूज करेंगे। रेडी, एक मिनट 1 2 3 गो। तो देख सकते हैं ये 650 ml का जो है रिजेक्ट वाटर ये फ्लो दे रहा है रिजेक्ट का, यानी कि ये प्रोडक्ट हो गया 16 लीटर का, 0.650 × आपका हो गया 60 मिनट्स का, 39 लीटर का ये रिजेक्ट फ्लो दे रहा है, प्लस आपका 16 लीटर का हमको टोटल फ्लो मिल रहा था, तो टोटल हो गया 55 लीटर का ये फ्लो है, और यानी कि 55 लीटर का ये पंप पूरा पूरे तरह से फ्लो दे रहा है। तो अभी हम लोग जो है इसको
चेक करेंगे कि इसका TDS कितना आता है एट 110 TDS है। मेम्ब्रेन को इंस्टॉल करने के बाद में जो है 15 मिनट्स तक इसे वर्किंग ऑपरेशन पर रखना पड़ता है एक्चुअल TDS को अचीव करने के लिए, ताकि ये एक्चुअल TDS रिजल्ट जो है वो अचीव कर सकें। अभी हम लोग चेक कर सकते हैं कि जो TDS है वो आफ्टर 68 तक आ गया है, 68 तक आ गया है आफ्टर 15 मिनट्स ऑफ टाइम, यानी कि 3000 TDS का। पानी नीचे का दिखा दीजिए एक बार, जो इसका TDS दिखा दीजिए। जो हम लोग रॉ वाटर जो ले रहे हैं वो 3000 TDS का है, 3128 TDS का, और जो प्योर वाटर है आफ्टर प्योरिफिकेशन जो है उसको वापस एक बार चेक करेंगे। जो आ रहा है अराउंड 52-59 तक आ गया है, यानी कि इतना बढ़िया हाई रिजेक्शन करके ये इतना बढ़िया रिजल्ट दे रहा है। लेकिन बात याद रखिए दोस्तों, इसको हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है फ्लोर शिफ्टर FR450 का, और हमने पंप यूज़ किया है लीफो कंपनी का 100 GPD का, तब जाके ये इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। तो